everyone. And sure. Guys, we are here with the part 30. And IBPS AFO ke bachche result ka wait kar rahe hain. Result jald aa jayega. But agar aap ne paper diya hai, prelims diya hai, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो. अब रिजल्ट तो एक दो दिन कभी भी आ जाएगा, बट अगर चक्कर में पढ़ाई नहीं करोगे और फिर प्रीलिम्स अगर क्लियर भी हो गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा. तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखें. थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिजल्ट. पर कुछ खराब नहीं होता, ठीक है. एंड 2000 प्लस नॉन एमसीक्यू, नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है बेटा, इसको जरूर एक्सप्लोर करो. मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट 15-20 डेज के अंदर की ये कोर्स अगर आप यूज करो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल. 300 रुपये में मात्र ही आपको वो पड़ रहा है. फटाफट से आ जाएं करंट अफेयर्स के अंदर. वही आज भी हम इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरनेशनल कॉफ़ी डे. इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये डे वाले, या तो आपको पता होते हैं या नहीं पता होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी नहीं होता. तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शन है 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर. इंटरनेशनल कॉफ़ी डे आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. हर साल सेम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके. चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. वाइल्ड लाइफ वीक ये हिंदुस्तान में किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक पूरा एक वीक होता है, किस महीने किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने में? ऑप्शन हैं 1 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर नन दी अबव. यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी अक्टूबर. अक्टूबर के महीने में आपका वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ओके. सो एनुअली 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर. तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से थोड़ा सा याद आप रख सकते हो कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन आपका ये वाइल्ड लाइफ वीक शुरू होता है और 8 अक्टूबर चलता है. पर्पज वही है, प्लांट और एनिमल लाइफ की प्रोटेक्शन. एंड 2022 में 68th एडिशन था, तो आजकल में ये कोई डे नहीं है, वेरी ओल्ड बेसिकली डे. सो आपका 68th एडिशन था 2022 में. थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी. थर्ड क्वेश्चन पूछा है थीम वर्ल्ड एनिमल डे का. अब यहाँ पर देखो इसने तो डे बताया हुआ है पहले कि वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. वैसे तो वो आपसे क्वेश्चन उस तरीके से भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बट यहाँ पर उसने क्या पूछा है, थीम पूछा है. ये आपको उसने ऑप्शंस दे दिए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, एनिमल्स फॉर सेविंग अर्थ, शेयर्ड प्लैनेट, एनिमल्स एंड डाइवर्सिटी, नन ऑफ दी अबव, ठीक है. तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिए हुए हैं. एंड द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन सी, शेयर्ड प्लैनेट. ऑप्शन सी शेयर्ड प्लैनेट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा जो आपका वर्ल्ड एनिमल डे का है. और 4 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है तो क्वेश्चन में ही था एंड थीम के ऊपर आपका क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे फटाफट से. वर्ल्ड कॉटन डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है. याद रखिएगा अच्छे से इसको, क्वेश्चन पूछे जाने के हाई चांसेस होते हैं. तो किस दिन एनुअली वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर, डी 20th एंड ई नन ऑफ दी अबव. वर्ल्ड कॉटन डे, तो वर्ल्ड कॉटन डे दोस्तों आपका सेलिब्रेट होता है ऑन 7th of October एवरी ईयर, ठीक है. तो वर्ल्ड कॉटन डे याद रखिएगा, ये इसका 4th एडिशन ही था, तो कोई बहुत ज़्यादा पुराना डे नहीं है ये. हमने 2019 से इसको सेलिब्रेट किया था, ठीक है. और जो आपका 2022 का जो वर्ल्ड कॉटन डे था उसका जो थीम था दैट वॉज वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन. ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ IBPS AFO के बच्चों के लिए जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा. 5th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी. वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे ये अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. किस डेट पर 2022 में अक्टूबर मंथ इसको सेलिब्रेट किया गया था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर, डी 11 अक्टूबर, नन ऑफ दी अबव. तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया था, ओके.
And the right answer in this case, guys, is option E, none of the above. ठीक है, none of the above is the right answer. ये जो वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे है ना, ये इसकी फिक्स्ड डेट नहीं है, और ये साल में 2 बार इसको सेलिब्रेट, ठीक है. एक तो आता है सेकंड सैटरडे मई का और सेकंड सैटरडे अक्टूबर का, ठीक है. सेकंड सैटरडे मई का और सेकंड सैटरडे अक्टूबर का. इस साल का सेकंड सैटरडे जो मई का था 2022 का, वो 14th में था, और सेकंड सैटरडे अक्टूबर का था जो, वो 8th अक्टूबर का था. तो 14th में और 8th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था. थीम था लाइट पोल्यूशन का, तो बेसिकली लाइट की वजह से जो बर्ड्स को प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया था. और यहाँ पर एक कैंपेन भी शुरू किया गया, डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट, कि लाइट्स को डिम करें ताकि जो बर्ड्स को ये लाइट पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व किया जा सके. ओके, नेक्स्ट है जी 6th क्वेश्चन, वर्ल्ड एग डे. अब यहाँ पर अगेन कहा गया है कि वर्ल्ड एग डे, तो डेट आपको ऑलरेडी गिवन है कि 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. अगेन थीम पूछी हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए एग्स एंड न्यूट्रिशन, बी एग्स फॉर हेल्थ, सी एग्स फॉर अ बेटर लाइफ, डी एग्स फॉर अ बेटर हेल्थ, ई नन ऑफ दी अबव. देखो ऑप्शंस में ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि यार ये देखने में गंदा लग रहा है, ये कैसे थीम होगी, ठीक है. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप इसको कैंसिल आउट तो कर ही नहीं सकते. या तो इसके अंदर जो है वो थीम होगी वो करेक्ट होगी, या इसके अंदर जो थीम होगी वो इनकरेक्ट होगी. ओके, सो द राइट आंसर दिस केस गाइस इज ऑप्शन सी, एग्स फॉर अ बेटर लाइफ. ठीक है, एग्स फॉर अ बेटर लाइफ जो है वो इसमें सही आंसर आपका रहेगा, ठीक है. और एनुअली इसको सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार का जो सेकेंड फ्राइडे था वो 14th अक्टूबर. 26th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड एग डे की, एंड फॉर अ बेटर लाइफ वॉज द थीम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे जी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. सो ये आपके ऑप्शंस हैं, ए 12th अक्टूबर, बी 14th, सी 16th, डी 20th, एंड ई नन दी अबव. वर्ल्ड फूड डे आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 16th अक्टूबर. वर्ल्ड फूड डे जो है वो आप 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, एंड यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज डे है, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करता है. एंड इस बार का जो थीम था, अगेन थीम इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड दैट वाज लीव नो वन बिहाइंड. थीम क्या था? लीव नो वन बिहाइंड. 8th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन सेलिब्रेट होता है. ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, 2nd सितंबर, 12th, 14th, 22nd, तो इस केस में आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 2nd सितंबर, और थीम जो था दैट वाज कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर. थीम क्या था? कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर वॉज द थीम. 9th क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड बैम्बू डे किस महीने में सेलिब्रेट होता है. अब यहाँ पर देखो इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये पर्टिकुलर डे किस महीने में सेलिब्रेट होता है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर. तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेप्टेम्बर. ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सेप्टेम्बर विल बी द राइट आंसर, एंड सेप्टेम्बर 18 को इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इस पर्टिकुलर लेक्चर के, वर्ल्ड रोज डे किस दिन सेलिब्रेट होता है. रोज डे बेटा आपका सेलिब्रेट होता है 22nd सितंबर को, और बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू द कैंसर पेशेंट्स, इसीलिए इसको डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स भी बोला जाता है, जो आपका वर्ल्ड रोज डे होता है. ओके, तो दीज वर द 10 क्विक क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू डेज, एंड पीडीएफ का टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया. अभी तक के सारे पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले. कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे कमेंट में, मैसेज में, मेल में जरूर पूछिएगा. ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय.